एंड वेलकम ऑल। कंफ्यूज्ड वर्ड्स में आज भी चार कंफ्यूजन्स हैं। पहला है एलिजिबल और इलिजिबल, दूसरा एक्सपैंड और एक्सपेंड, तीसरा फर्दर और फर्दर, एंड लास्ट में फोर्थ एंड फोर्थ। समझते हैं, पहले देखिए एलिजिबल। एलिजिबल मतलब योग्य, योग्य मतलब किसी कार्य के योग्य, चुनाव के योग्य, उसको बोलते हैं एलिजिबल, चुनाव के योग्य, एक्चुअली चुनाव के, अच्छा है नियुक्त होने के, नियुक्त होने के जो जो योग होते हैं उन्हें बोलते हैं एलिजिबल। प्रिपेयर्डनेस, प्रिपेयर्डनेस की हिंदी लिखा है तैयारी, इज द की टू एलिजिबिलिटी, तैयारी योग्यता की चाबी होती है, तैयारी योग्यता की चाबी होती है, तो यहाँ पे एलिजिबल हो गया। यहाँ पे इलिजिबल, इलिजिबल आप जानते हैं जैसे कि लिख दिया कुछ और वो क्या लिखा है समझ में नहीं आता है, लिखावट जब हम पढ़ने में असमर्थ होते हैं तो उसको कहते हैं कि इलिजिबल लिखावट है, अस्पष्ट लिखावट है, इसी को ही कहते हैं इलिजिबल, आई एल एल ई। ठीक, गुड प्रैक्टिस कैन एलिमिनेट इलिजिबल स्क्रिप्ट, गुड प्रैक्टिस खत्म कर सकता है, एलिमिनेट मतलब खत्म करता है, तो कैन है तो खत्म कर सकता है इलिजिबल मतलब अस्पष्ट लिखावट को, अस्पष्ट लिखावट को गुड प्रैक्टिस खत्म कर सकता है। नाउ एक्सपैंड, पी ए एन डी देखिए, और यहाँ पे पी ई एन डी, इसे एक्सपेंड कहते हैं, इसे एक्सपैंड कहते हैं। एक्सपैंड मतलब फैलाना, एक्सपेंशन नाउन बना दिया और ये हो जाएगा फैलाव। फैलाव इज अन इंडिकेशन, फैलाव एक सूचक होता है, इंडिकेशन मतलब सूचक, सूचना देने वाला, एक सूचक होता है ऑफ डेवलपमेंट, विकास का, फैलाव विकास का एक सूचक होता है। देन एक्सपेंड मतलब खर्च करना, एक्सपेंडिचर ऑन स्टडीज, पेज मेनी फोल्ड, एक्सपेंडिचर मतलब खर्च, ऑन स्टडीज पढ़ाई पर, पेज चुकाती है, मेनी फोल्ड अनेक गुना, मतलब एक रुपया खर्च किया तो 1 लाख करके ऐसा कुछ चुकाती है, तो एक्सपेंडिचर ऑन स्टडीज पेज मेनी फोल्ड, अनेक गुना चुकाती है। फार्दर मतलब दूर, फार्दर मतलब दूर, और फर्दर मतलब आगे। लिविंग फार्दर दूर रहना, एनहांसेस बढ़ाता है अटैचमेंट जुड़ाव को, जब मान लीजिए ए ब्रदर बी सिस्टर दोनों घर में रहते हैं और ब्रदर किसी कारण से किसी दूसरे शहर में जाकर रहने लगते हैं, तो अब ए भी मिस करते हैं बी को और बी भी मिस करती हैं ए को, और फिर जैसे ही आते हैं ए बी के पास घर पर तो दोनों में प्यार पहले से बढ़ गया रहता है, झगड़ा करते थे पहले, झगड़ा भी नहीं करते अब, महसूस करते हैं, तो दूर रहने से क्या होता है अटैचमेंट जो जुड़ाव था बढ़ जाता है। नाउ फर्दर मतलब आगे, मतलब जब यह एक फिलर वर्ड है, जब बोलते रहते हैं आप माई नेम इज समवन, माई फादर्स नेम इज सो एंड सो, फर्दर माई मदर्स नेम इज फर्दर, आई हैव टू ब्रदर्स, ऐसे करके फर्दर फर्दर करके आप सेंटेंसेस को जोड़ते रहते हैं, यही फर्दर मतलब आगे। यहाँ से कोई डायरेक्शन नहीं है, बस खाली आगे कह रहे हैं, बढ़ने के लिए हम कह रहे हैं। अ डिवोटेड मैन, एक समर्पित आदमी, कीप्स प्रोसीडिंग फर्दर, आगे बढ़ते रहता है, एक समर्पित आदमी आगे बढ़ते रहता है। उसके बाद फोर्थ, इसे फोर्थ पढ़ते हैं हम लोग नॉर्मली, लेकिन फोर्थ उच्चारण करना चाहिए, एफ ओ आर टी एच, फोर्थ मतलब आगे, आगे मतलब आगे पीछे। जो अगर आप हैं यहाँ पे ए है तो ए के आगे कोई होगा, ए के पीछे कोई होगा, इसी आगे कहेंगे फोर्थ। तो अ स्टूडेंट गोज फोर्थ ऑन हिज पाथ ऑफ सक्सेस, एक विद्यार्थी जाता है फोर्थ, फोर्थ में तो आगे, एक विद्यार्थी आगे जाता है ऑन हिज पाथ ऑफ सक्सेस, अपने सफलता के पथ पर, एक विद्यार्थी अपने सफलता के पथ पर आगे जाता है, अच्छा है बढ़ता है। नाउ फोर्थ, फोर्थ मतलब चौथा,
आप जानते हैं जीके से, द प्रेस इज कॉल्ड द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। प्रेस को, प्रेस में क्या आता है, अखबार, टीवी, रेडियो, जहां से भी न्यूज समाचार मिलते हैं आपको, उसको कहते हैं प्रेस। तो द प्रेस इज कॉल्ड, प्रेस को कहा जाता है फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ। तो इस तरह से कंफ्यूज वर्ड्स, चार कंफ्यूजन्स थे, एलिजिबल, योग्य और इलिजिबल, अस्पष्ट, एक्सपैंड फैलाना और एक्सपेंड खर्च करना, फार्दर दूर और फर्दर आगे, लास्ट में फोर्थ आगे, फोर्थ चौथा। थैंक यू वेरी मच।